बारिश के बाद मुश्किल में दिल्ली एनसीआर के लोग, नोएडा में एक्सप्रेसवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली में भी लंबे जाम में फंसे दफ्तर से घर लौटने वाले लोग, घंटों से थमी हुई है राजधानी की रफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी जाम में फंसी जिंदगी, बारिश के बाद दिल्ली को जोड़ने वाले NH24 पर परेशान होते रहे लोग। करीब 22 घंटे तक जाम में जमा रहा दिल्ली से सटा गुड़गांव, पुलिस प्रशासन सरकार की सुस्ती पर उठे सवाल। गुड़गांव में लोगों ने झेला करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम, कल शाम 6 बजे से आज सुबह के करीब 11 बजे तक मुश्किलों में फंसी रही जिंदगी। रात भर गुड़गांव के ट्रैफिक जाम में फंसे रहे कई लोग, गाड़ी में ही बिताई रात, पीने के पानी तक के लिए बेहाल रहे लोग। जाम के करीब 18 घंटे बाद टूटी गुड़गांव पुलिस की नींद, सुबह के करीब 11 बजे साइकिल पर सवार होकर हीरो होंडा चौक पर पहुंचे कमिश्नर। रुक रुक कर हो रही बारिश से पानी पानी हुआ गुड़गांव, जलभराव में फंसी कई गाड़ियां, क्रेन की ली गई मदद। गुड़गांव जाम पर दिन भर होती रही सियासत, हरियाणा के सीएम ने दिल्ली सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी, तो मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर निशाना साधा। गुड़गांव में जाम ने उड़ाए केंद्र सरकार के होश से, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू बोले ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की जल्द होगी कोशिश। भारी बारिश के बाद जाम से मुंबई जूझती रही, जल भराव की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दूर तक गाड़ियों की कतार। बेंगलुरु में भी भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, नदी में तब्दील हुई सड़कें, SDRF ने नाव के साथ संभाला मोर्चा। बेंगलुरु के कई रिहायशी इलाकों में हालात बदतर, घरों में पानी घुसने से लोगों की बड़ी मुश्किल। बेंगलुरु के जल भराव में लोगों ने ढूंढा वक्त बिताने का तरीका, जाल लगाकर पकड़ रहे हैं मछलियां। असम में बाढ़ से 22 जिलों के करीब 18 लाख लोग प्रभावित, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया हवाई सर्वे। असम में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हैं बाढ़ के हालात, अब तक करीब 21 लोगों की मौत, कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे प्रभावित इलाकों का दौरा। बिहार के 10 जिलों के करीब 22 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, उफान पर है ज्यादातर नदियां, अब तक 26 लोगों की मौत। यूपी के फरुखाबाद में उफान पर है गंगा और रामगंगा नदियां, पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं 100 से ज्यादा गांव। हिमाचल में भी भारी बारिश का कहर, कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को भारी नुकसान। पूर्वी और उत्तर भारत में अभी मंडराते रहेंगे मानसून के बादल, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी बारिश। लखनऊ में कांग्रेस का मेगा शो, रैंप से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा सिर्फ सूट बूट वालों के लिए चलेगी बुलेट ट्रेन। महंगाई को लेकर थी मोदी सरकार पर राहुल का निशाना, कहा किसानों से 50 रुपए किलो खरीदी जाती है दाल, लेकिन उसी दाल को 200 रुपए किलो में खरीदते हैं किसान। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी एकजुटता की नसीहत, कहा एक साथ मिलकर करेंगे काम तो कोई हरा नहीं पाएगा। शीला दीक्षित के सामने राहुल ने बिना नाम लिए संदीप दीक्षित को दिए कड़े संदेश, कहा एसी में बैठकर बकवास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। शीला दीक्षित की उम्मीदवारी पर विरोधियों के जातिवाद के हमले पर राहुल की सफाई, बोले महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए बनाया सीएम कैंडिडेट। लखनऊ के मेगा शो से समाजवादी पार्टी और BSP के खिलाफ भी राहुल का हमला, कहा एक गुंडागर्दी के लिए बदनाम, दूसरा भ्रष्टाचार के लिए। लखनऊ में राहुल की रैली से पहले आसमान से गिरी आफत की बूंदें, कुर्सियों को सिर पर रखकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बारिश से किया बचाव। मजीठिया के मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को अमृतसर कोर्ट से राहत, 15 अक्टूबर को होगी केस की अगली सुनवाई। संजय सिंह और आशीष खेतान के साथ कोर्ट पहुंचे थे केजरीवाल, पेशी से पहले कार्यकर्ताओं को किया था संबोधित, ड्रग्स मुद्दे को लेकर बादल सरकार पर निशान। बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह को UPSTF ने बिहार के बक्सर से दबोचा, मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तारी। बक्सर से यूपी के मऊ लाए गए दयाशंकर सिंह, पुलिस लाइन है बीजेपी के पूर्व नेता का नया ठिकाना, जल्द होगी अदालत में पेशी। आगरा में BSP नेता रसीमुद्दीन सिद्दीकी की काफिले पर हमला, दयाशंकर सिंह की बेटी को गाली देने के आरोप में दिखाया विरोध।
मैनपुरी में दलित दंपत्ति की हत्या मामले को लेकर मायावती ने अखिलेश सरकार को घेरा, कहा जब से सत्ता में है समाजवादी पार्टी तब से बढ़ गए हैं सूबे में अपराध। यूपी सरकार ने श्रावण यात्रा स्पेशल ट्रेन को किया रवाना, बुजुर्गों को सोमनाथ और द्वारका की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने के इंतजाम। अमृतसर में एक बार फिर केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया को बताया ड्रग्स नेटवर्क का सरगना, कहा पंजाब में बनी आपकी सरकार तो भेज देंगे जेल। अमृतसर कोर्ट में किए गए थे कड़े सुरक्षा इंतजाम, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प रोकने के लिए शहर के कई हिस्सों में धारा 144। केजरीवाल के आरोपों के बीच स्वर्ण मंदिर पहुंचे विक्रमजीत सिंह मजीठिया, पंजाब के राजस्व मंत्री ने हरमंदिर साहब में टेका मत्था। अमृतसर कोर्ट से राहत के बाद फजिलका पहुंचे केजरीवाल, पंजाब पुलिस की लाठी से जख्मी दलित परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पंजाब के सीएम का पलटवार, कहा हताश है दिल्ली के सीएम, नहीं जानते पद की गरिमा। मजीठिया के जेल भेजने वाले बयान पर कांग्रेस ने भी केजरीवाल को घेरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें दिल्ली के सीएम। पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ नारेबाजी। अगले महीने की 1 तारीख को नागपुर के विपासना शिविर में जाएंगे केजरीवाल, 10 दिनों तक मीडिया से दूर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले एमएनएस नेता राज ठाकरे, दोनों भाइयों के बीच अकेले में मुलाकात। उद्धव और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म, बीएमसी चुनावों के मद्देनजर दोनों भाइयों के साथ आने के कयास। बिहार में एक्साइज संशोधन विधेयक 2016 के प्रावधानों पर घमासान, खुद एक्साइज मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने उठाए सवाल। घर में शराब पाए जाने पर गिरफ्तारी के प्रावधान से नाखुश हैं एक्साइज मंत्री, पिछले हफ्ते नीतीश कैबिनेट ने बिल पर मुहर लगाई। टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर, सिख रेजिमेंट में बने लेफ्टिनेंट। अनुराग ठाकुर को लेनी होगी 1 महीने की ट्रेनिंग, संसद सत्र और बीसीसीआई की अहम जिम्मेदारी के बीच निकालना होगा वक्त। नरसिंह यादव पर नाडा में सुनवाई पूरी, शनिवार या फिर सोमवार को आ सकता है फैसला। जम्मू कश्मीर के सीएम के बयान को लेकर घमासान, सूबे में बीजेपी के नेताओं ने किया पलटवार, कहा सुरक्षा एजेंसियों को बुरहान वानी के छिपे होने की थी जानकारी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने महबूबा मुफ्ती से फोन पर की बात, सूत्रों के मुताबिक बुरहान वानी पर सीएम के बयान को लेकर हुई चर्चा। महबूबा मुफ्ती के बयान पर केंद्र सरकार ने साधी चुप्पी, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी नहीं होने का दिया हवाला। महबूबा मुफ्ती ने बुरहान वानी एनकाउंटर पर उठाए थे सवाल, कहा था सुरक्षा एजेंसियों को नहीं थी आतंकी के छिपे होने की जानकारी। जम्मू कश्मीर सरकार की सीएम ने डॉक्टरों के साथ की बैठक, हिंसा में घायल लोगों के हालात को लेकर दिए निर्देश। श्रीनगर में हिरासत में लिए गए अलगाववादी नेता एसएएस गेलानी, जामा मस्जिद तक मार्च से पहले सरकार ने की कार्रवाई। नौगाम से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी ने एनआईए की पूछताछ में नए खुलासे किया, आतंकी हाफिज को बुलाता था चाचा। आतंकी बहादुर अली निमानी पीओके स्थित A3 कंट्रोल रूम से आदेश मिलने के बाद मुजफ्फराबाद के 3 कैंपों में ली थी आतंक की ट्रेनिंग। पूछताछ में आतंकी बहादुर अली का खुलासा, घाटी में डॉक्टर और नर्स के कोर्ट वालों से मिलने के थे निर्देश, पुलिस पार्टी पर हमले की थी साजिश। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, नीलम घाटी में जलाए गए पाकिस्तान के झंडे, पाक नेताओं के पोस्टर पर पूटी गई काली। सलमान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है राजस्थान सरकार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम का गठन। चिंकारा केस में चश्मदीद रहे हरीश दुलानी ने राजस्थान सरकार से मांगी सुरक्षा, राज्य के गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्राइवेट स्कूलों का प्रदर्शन, सरकार पर लगाए ऑडिट के नाम पर परेशान करने के आरोप। हैदराबाद में इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा में पेपर लीक को लेकर बवाल, सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। पंजाब के गुरदासपुर में गन्ने की बकाया राशि को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। बिजनौर कोर्ट में पेश किया गया तंजील मर्डर केस का मुख्य आरोपी मुनीर, अब धामपुर बैंक से 91 लाख की लूट के मामले में यूपी पुलिस करेगी पूछताछ।
पुणे में निर्माणाधीन इमारत की स्लैब गिरने से बड़ा हादसा, फ्लोर पर काम कर रहे 13 मजदूरों में से 9 की मौत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप, 3 युवकों पर आरोप, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के शकरपुर में बोरे में महिला की लाश मिलने से हड़कंप, 35 साल की मृतक की आंखों पर बंधी है काली पट्टी। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक मकान से मिली नाबालिग लड़की की अधजली लाश, घर में बाहर से लगा था ताला। पंजाब के मोगा में बुजुर्ग की हत्या, बेटे पर कत्ल का आरोप, शराब पर पैसे उड़ाने की वजह से पिता से नाराज था आरोपी। लुधियाना में पौश इलाके के एक घर में 4 लोगों की लाश मिलने से सनसनी, एक ही परिवार के हैं चारों लोग, हत्या या खुदकुशी की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के सहारनपुर के मॉल में एक शख्स ने बालकनी से लगाई छलांग, एक लड़की के साथ देर तक हुआ था विवाद। मॉल की बालकनी से नीचे गिरने पर युवक के पास पहुंची लड़की, जेब से मोबाइल निकालकर पहले चेक किया फिर अपने पास रख लिया। राजस्थान के झालावाड़ में शॉर्ट सर्किट से स्कूल बस में आग, बस में सवार थे 13 बच्चे लेकिन सभी को सुरक्षित निकाला गया। रामेश्वरम से मदुरई के बीच 150 किलोमीटर के सफर को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया, बायो टॉयलेट वाली पहली ट्रेन की गई रवाना। हड़ताल पर रहे 40 बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी, बैंकिंग सेक्टर के लिए केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में काम था। 7वें वेतन आयोग का फायदा पाने वाले कर्मचारियों को एक मुश्त मिलेगा एरियर, नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है केंद्र सरकार। 9 अगस्त को होगा कर्ज नीति का ऐलान, ब्याज दरें घटने की उम्मीद कम, रेटिंग एजेंसी ICRA का दावा। हफ्ते के आखिरी दिन 156 अंक गंवाकर 28,051 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 27 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 8,638 पर बंद। 1 अगस्त से बढ़ सकते हैं आईफोन 6 के दाम, आईफोन 4 और आईफोन 5 की बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी ने लिया फैसला। 25% घटा निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ICICI का मुनाफा, पहली तिमाही में बैंक को 2,232 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा। RBI के सर्वे में खराब पाए गए सरकारी बैंकों के 30% और निजी बैंकों के 10% ATM तकनीकी कारणों और नकदी न होने से ठप पड़ी मशीनें। पिछले 2 सालों में FDI में 53% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया दावा। R&D और मैन्युफैक्चरिंग पर करीब 600 करोड़ रुपए निवेश करेगी रॉयल एनफील्ड, नए प्रोडक्ट डेवलप करने पर होगा जोर। त्रिपुरा में जारी है ईंधन की किल्लत, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। 54 फीट का कांवड़ लेकर देवघर पहुंचा 100 कांवड़ियों का जत्था, सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल तय की 105 किलोमीटर की दूरी। आज 56 साल के हुए संजय दत्त, मुंबई में अपने घर पर पत्नी मान्यता और बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन। कोलकाता में मशहूर साहित्यकार महाश्वेता देवी की आखिरी विदाई, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने दी श्रद्धांजलि। डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी क्लिंटन ने बताया तुनक मिजाज, बोली रिपब्लिकन उम्मीदवार के हाथ में सुरक्षित नहीं रहेंगे न्यूक्लियर हथियार। हिलरी ने अर्थव्यवस्था में सुधार का किया वादा, बोली अमेरिका को बांटना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, पूरे नहीं होंगे मंसूबे। हिलरी के हमले पर ट्रंप का पलटवार, पूछा नॉमिनेशन भाषण में क्यों नहीं की इस्लाम में कट्टरवाद की चर्चा। साउथ चीन सागर में रूस के साथ संयुक्त अभ्यास की तैयारी कर रहा है चीन, सितंबर में होगा जॉइंट सी 2016। वियतनाम में चक्रवाती तूफान मिरने का कोहराम, राजधानी हनोई में भारी तबाही, 1 की मौत।